हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी तक अगस्त में हमें रियलमी के कौन से डिवाइसेस में सॉफ्टवेयर अपडेट्स यहां पे देखने को मिला है। देखिए दोस्तों, अगस्त 2022 का मंथ यहां पे समाप्त हो चुका है, तो मैं आप लोगों को अगस्त के मंथ में रियलमी के कौन से डिवाइसेस में लाइक स्टेबल में बीटा में एंड सिस्टम अपडेट्स यहां पे देखने को मिला है, तो उसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इन फ्यूचर में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपडेट्स की सारी जानकारी रियलमी के ऑफिशियल वेबसाइट रियलमी के सॉफ्टवेयर अपडेट ड्राइवर में देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों, यहाँ पर आपको रियलमी वाई 1.0 ओल्ड वर्जन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात है। एंड यहाँ पे आपको लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट्स देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, रियलमी कम्युनिटी के एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर वीके प्रभात सर रियलमी के लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट को यहाँ पे सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि रियलमी के कौन से डिवाइसेस में अगस्त के मंथ का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले Realme 7 Pro डिवाइस में अगस्त के मंथ का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को इंडिया के अंदर ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया है। एंड यहाँ पे आप लोग वर्जन चेकआउट कर सकते हो, F.19 यहाँ पे वर्जन देखने को मिला है। सिक्योरिटी में आप लोगों को यहाँ पे जुलाई एंड अगस्त के मंथ का न्यू सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। साथ ही सिस्टम में इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस इन सम सिनेरियो, तो यहाँ पे सिस्टम परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, Realme Pad X टैबलेट। यहाँ पे Realme Pad X टैबलेट में भी इंडिया के अंदर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। वर्जन आप लोग देख सकते हो, Realme Pad X Wi-Fi वर्जन में भी आप लोगों को 8.14 का अपडेट देखने को मिल जाता है और Realme Pad X 5G वर्जन में भी 8.14 का अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर सिस्टम में OTG को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही थी, तो उसे यहाँ पर सॉल्व किया गया है। एंड यहाँ पे कीबोर्ड में आप लोग Realme के स्मार्ट कीबोर्ड को परचेज कर पाएंगे Realme स्टोर से, एंड ये ऑफिशियली अवेलेबल हो चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे Realme Watch 3। यहाँ पे Realme Watch 3 के लिए एक नया अपडेट आ चुका है, OTG अपडेट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फर्मवेयर वर्जन यहाँ पे 2.3.0.74 का देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे वर्जन आप लोग चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं किया गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सिस्टम में यहाँ पे जो थोड़े मोड़े इशू देखने को मिल रहे थे, तो उसे यहाँ पे सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों, Realme 9 5G स्पीड एडिशन। Realme 9 5G स्पीड एडिशन में आप लोगों को यहाँ पे अगस्त के मंथ का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को इंडिया के अंदर ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया है। आप लोग वर्जन यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, C.03 देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सिक्योरिटी में आप लोगों को अगस्त के मंथ का न्यू सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। एंड सिस्टम में इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस को भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, तो आपको यहाँ पे गेमिंग में और भी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, Realme Narzo 20 है। तो Realme Narzo 20 डिवाइस में भी आप लोगों को अगस्त के मंथ का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। वर्जन यहाँ पे C.10 देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी में आप लोगों को जुलाई एंड अगस्त के मंथ का न्यू सिक्योरिटी पैच को प्रोवाइड किया गया है। एंड यहाँ पर सिस्टम में इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस इन सम सिनेरियोस, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, Realme C11 2021। तो दोस्तों, इस डिवाइस में भी Realme की तरफ से न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को यहाँ पे अगस्त के मंथ का प्रोवाइड किया गया था। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, 8.89 इसका वर्जन देखने को मिला है। एंड यहाँ पर सिक्योरिटी में आप लोगों को एकदम लेटेस्ट अगस्त के मंथ का न्यू सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर सिस्टम में जो इशू देखने को मिल रहे थे, उसे यहाँ पर सॉल्व किया गया है। साथ ही स्टेबिलिटी को भी यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, Realme C30। दोस्तों, Realme C30 डिवाइस में आप लोगों को अगस्त के मंथ का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को इंडिया के अंदर ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया है। वर्जन आप लोग चेकआउट कर सकते हो, 8.39 का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी में आप लोगों को जुलाई के मंथ का सिक्योरिटी पैच दिया गया है। यार, अगस्त के मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता। एंड यहाँ पर आप लोगों को ग्लांस का फीचर भी देखने को मिल जाता। एंड इस फीचर में आप लोगों को इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, न्यूज़, गेम्स के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट देखने को मिल जाएगा, वो भी लॉक स्क्रीन में। तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा अपडेट देखने को लगा। एंड यहाँ पर सिस्टम में सिस्टम स्टेबिलिटी को यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है, तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा अपडेट देखने को मिल गया है Realme C30 डिवाइस में। नेक्स्ट है दोस्तों, Realme C21 Y। यहाँ पे Realme C21 Y डिवाइस में Realme की तरफ से अगस्त के मंथ का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को यहाँ पे इंडिया के अंदर ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया था। वर्जन आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, 8.91 देखने को मिल जाता है। साथ ही सिक्योरिटी में आप लोगों को जुलाई के मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। एंड सिस्टम में यहाँ पे सिस्टम स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है। एंड यहाँ पर आपके डिवाइस में जो भी बग्स देखने को मिल रहे थे, तो उन सारे बग्स को इस न्यू अपडेट के बाद फिक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, Realme GT मास्टर एडिशन। यहाँ पे Realme GT मास्टर एडिशन डिवाइस में Realme की तरफ से अगस्त के मंथ का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को इंडिया के अंदर ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया है। वर्जन यहाँ पे C.09 देखने को मिल जाता है।
एंड यहाँ पे सिक्योरिटी में जुलाई के मंथ का न्यू सिक्योरिटी पैच को प्रोवाइड किया गया है। हालांकि यहाँ पे अगस्त के मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता, बट आप लोगों को यहाँ पे जुलाई के मंथ का न्यू सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर सिस्टम में ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे सिस्टम परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, तो डेली टास्क हो या फिर मल्टी टास्किंग आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों रियलमी 9 Pro Plus 5G, तो यहाँ पे रियलमी 9 Pro Plus 5G डिवाइस में 8.12 का न्यू अपडेट को यहाँ पे इंडिया के अंदर ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी में आप लोगों को जुलाई एंड अगस्त के मंथ का न्यू सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर सिस्टम में फिक्स सम नॉन इशू टू इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, एंड यहाँ पे सिस्टम परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों रियलमी C25, तो यहाँ पे Realme C25 डिवाइस में भी Realme की तरफ से अगस्त के मंथ का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को इंडिया के अंदर ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया था। C.06 यहाँ पे वर्जन देखने को मिला था। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी में आप लोग देख सकते हो जुलाई एंड अगस्त के मंथ का न्यू सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। एंड सिस्टम में यहाँ पे ऑप्टिमाइज सिस्टम स्टेबिलिटी एंड फिक्स सम नॉन इशू, तो यहाँ पर जो आपके डिवाइस में जो भी इशू देखने को मिल रहे थे, बग्स देखने को मिल रहे थे, तो उन्हें यहाँ पे सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों रियलमी C21Y, यहाँ पे रियलमी C21Y डिवाइस में 8.33 का न्यू वर्जन को इंडिया के अंदर ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया था। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिक्योरिटी में जुलाई के मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर सिस्टम में फिक्स सम नॉन इशू एंड इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है दोस्तों रियलमी 9 Pro 5G, तो यहाँ पे Realme 9 Pro 5G डिवाइस में इंडिया के अंदर 8.42 का न्यू वर्जन को Realme की तरफ से ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया था। जुलाई के मंथ का यहाँ पे आप लोगों को सिक्योरिटी पैच देखने को मिल गया था। एंड सिस्टम में यहाँ पे इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस एंड फिक्स सम नॉन इशू टू इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे आपके डिवाइस में जो भी बग्स देखने को मिल रहे थे तो उसे यहाँ पे सॉल्व किया गया है। एंड आपके डिवाइस के सिस्टम में सिस्टम परफॉर्मेंस को यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों Realme C11, तो दोस्तों Realme C11 डिवाइस में भी अगस्त के मंथ का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को इंडिया के अंदर ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया था Realme की तरफ से। वर्जन आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, 8.109 का यहाँ पे वर्जन देखने को मिल जाता है। एंड सिक्योरिटी में आप लोगों को अगस्त के मंथ का एकदम लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। एंड सिस्टम में वही आप लोगों को सिस्टम स्टेबिलिटी को ऑप्टिमाइज किया गया है। एंड आपके डिवाइस में जो भी बग्स देखने को मिल रहे थे तो उसे यहाँ पे सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों Realme Narzo 20 Pro, तो दोस्तों Realme Narzo 20 Pro डिवाइस में Realme की तरफ से C.19 का न्यू वर्जन को इंडिया के अंदर ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया था। एंड यहाँ पर जुलाई एंड अगस्त के मंथ का न्यू सिक्योरिटी पैच यहाँ पे देखने को मिल गया था सिक्योरिटी में। एंड यहाँ पर सिस्टम में इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे सिस्टम में सिस्टम परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों Realme 7, तो यहाँ पे Realme 7 डिवाइस में भी आप लोगों को अगस्त के मंथ का C.19 न्यू वर्जन देखने को मिला था। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी में भी जुलाई एंड अगस्त के मंथ का न्यू सिक्योरिटी पैच को प्रोवाइड किया गया था। साथ ही सिस्टम में इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे सिस्टम परफॉर्मेंस को भी और भी ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों Realme C20, तो यहाँ पे Realme C20 डिवाइस में भी अगस्त के मंथ का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को इंडिया के अंदर ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया था। वर्जन आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, 8.63 आप लोगों को यहाँ पे वर्जन देखने को मिल जाएगा। एंड सिक्योरिटी में अगस्त के मंथ का एकदम लेटेस्ट यहाँ पे सिक्योरिटी पैच को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। साथ ही सिस्टम में सिस्टम परफॉर्मेंस को यहाँ पे इम्प्रूव किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों Realme Narzo 30 Pro 5G, दोस्तों Realme Narzo 30 Pro 5G डिवाइस में F.04 का न्यू वर्जन को इंडिया के अंदर ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया था। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जुलाई एंड अगस्त के मंथ का आप लोगों को न्यू सिक्योरिटी पैच देखने को मिल गया था। एंड सिस्टम में फिक्स सम नॉन इशू टू इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे जो भी आपके डिवाइस में बग्स देखने को मिल रहे थे तो उसे यहाँ पे सॉल्व किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों Realme X7 5G, तो यहाँ पे Realme X7 5G डिवाइस में F.06 का न्यू वर्जन को इंडिया के अंदर ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया था। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी में जुलाई एंड अगस्त के मंथ का न्यू सिक्योरिटी पैच देखने को मिल गया था। एंड सिस्टम में इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है दोस्तों Realme C25S, तो दोस्तों Realme C25S डिवाइस में भी Realme की तरफ से अगस्त के मंथ का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को इंडिया के अंदर ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया था। आप लोग यहां पे वर्जन चेकआउट कर सकते हो, C.08 वर्जन देखने को मिल जाता है। जुलाई एंड अगस्त के मंथ का न्यू सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। एंड सिस्टम में फिक्स सम नॉन इशू एंड ऑप्टिमाइज सिस्टम स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है दोस्तों Realme Narzo 50A, तो दोस्तों Realme Narzo 50A डिवाइस में C.08 का न्यू वर्जन को इंडिया के अंदर ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया था। सिक्योरिटी में आप लोगों को जुलाई एंड अगस्त के मंथ का न्यू सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। एंड सिस्टम में फिक्स सम नॉन इशू एंड ऑप्टिमाइज सिस्टम स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है दोस्तों Realme Watch 3, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अगस्त में हमें एक और अपडेट देखने को मिला था Realme Watch 3 में। यहाँ पे आप लोग वर्जन चेकआउट कर सकते हो, फिर मेरे वर्जन
1.3.0.67 का एंड यहाँ पे सिस्टम में कुछ अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिला था। आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है दोस्तों रियलमी X7 Pro 5G। तो यहाँ पे रियलमी X7 Pro 5G डिवाइस में भी अगस्त के मंथ का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को इंडिया के अंदर ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया था। वर्जन यहाँ पे F.15 देखने को मिला था एंड यहाँ पे सिक्योरिटी में अगस्त के मंथ का न्यू सिक्योरिटी पैच देखने को मिल गया था एंड कैमरा में फिक्स द इशू ऑफ कैमरा UI डिस्प्ले एग्जेप्शन इन सम सीन एंड यहाँ पे कैमरा में भी कुछ इशू देखने को मिल रहा था तो उसे भी यहाँ पे सॉल्व किया गया था। साथ ही सेटिंग्स में भी आप लोगों को कुछ नए फीचर्स यहाँ पे ऐड किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों Realme Pad X। तो यहाँ पे Realme Pad X टैबलेट्स में भी एक और नया वर्जन देखने को मिला था इससे पहले A.12 का एंड A.10 का। यहाँ पे 5G वर्जन के लिए A.12 का एंड Wi-Fi वर्जन के लिए A.10 का न्यू वर्जन देखने को मिला था एंड यहाँ पे सिक्योरिटी में आप लोगों को जुलाई के मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल गया था एंड यहाँ पे सिस्टम में सिस्टम स्टेबिलिटी एंड कुछ और नए इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे देखने को मिला था एंड यहाँ पे पॉज करके आप लोग रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों Realme GT 2 Pro। तो दोस्तों Realme GT 2 Pro डिवाइस में A.18 का न्यू वर्जन को इंडिया के अंदर ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया था। सिक्योरिटी में आप लोगों को जुलाई के मंथ का न्यू सिक्योरिटी पैच देखने को मिला था एंड यहां पर इस स्मार्टफोन में नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था तो उसे भी यहां पे सॉल्व किया गया था एंड सिस्टम में यहां पे कुछ नए फीचर्स को ऐड किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों Realme X3। तो यहां पे Realme X3 के लिए ओपन बीटा एप्लीकेशन को यहां पे प्रोवाइड किया गया था Realme UI 3.0। तो यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो एंड यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है Realme GT Neo 2 5G। तो यहाँ पे Realme GT Neo 2 5G डिवाइस में Realme की तरफ से न्यू अपडेट को यहाँ पर इंडिया के अंदर ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया था। वर्जन आप लोग चेकआउट कर सकते हो C.08 का वर्जन देखने को मिला था। सिक्योरिटी में आप लोगों को जुलाई के मंथ का न्यू सिक्योरिटी पैच को प्रोवाइड किया गया था एंड सिस्टम में यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे किया गया था। आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों Realme 9 5G। तो यहाँ पे Realme 9 5G डिवाइस में भी अगस्त के मंथ का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को इंडिया के अंदर ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया था। A.07 वर्जन देखने को मिला था। सिक्योरिटी में जुलाई के मंथ का न्यू सिक्योरिटी पैच को प्रोवाइड किया गया था एंड यहाँ पर सिस्टम में भी फिक्सेस एन इशू वेर यू माइट बी अनेबल टू एग्जिट द ड्रॉअर मोड को यहाँ पे फिक्स किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों Realme X3 सुपर जूम। तो यहाँ पे इस डिवाइस में भी ओपन बीटा एप्लीकेशन को Realme की तरफ से ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया था जो कि Realme UI 3.0 पर बेस्ड था। तो दोस्तों Realme की तरफ से आप लोगों को इन सारे डिवाइसेस में अगस्त के मंथ का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पे देखने को मिला था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हूँ। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी दोस्तों आप चाहे तो मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों में ही फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन को लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।